काफी लोग पूछते हैं कोरोना वैक्सीन के बाद में कोविड होगा क्या, कोरोना होगा क्या, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार से एक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोरोना वैक्सीन में है क्या, अलग अलग कंपनियों ने अभी तक 8 कंपनीज अलग अलग हैं उन्होंने अभी कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया हुआ है और अलग अलग कंट्रीज में उपलब्ध है। अभी हमारे कंट्री में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुटनिक भी है, बाकी भी और वैक्सीन्स कोरोना वैक्सीन्स अभी हमारे देश में आएंगे। कोरोना वैक्सीन में होता क्या है, कोरोना वैक्सीन में एटेन्यूएटेड या डीएक्टिवेटेड वायरस रहता है। तो डीएक्टिवेटेड वायरस है और वो वायरस इसलिए हमारे बॉडी में डाला जाता है कि वो एंटीबॉडीज तैयार करे, इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत करना, और वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज तैयार करेंगी ताकि वो एंटीबॉडीज तैयार है कि यदि कोरोना एक्चुअली आता है, कोरोना वायरस बॉडी में, तो ये एंटीबॉडीज बिल्कुल तैयार है उसको फाइट करने के लिए। तो कोरोना वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं होगा, लोगों को डर है कि कोरोना वैक्सीन मिलूंगा तो कोरोना हो, क्योंकि वैक्सीन में लोगों को बताया गया है कि वायरस डालते हैं अंदर कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो है वो डीएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है। और कुछ वैक्सीन में तो डीएक्टिवेटेड वायरस भी नहीं है, एमआरएनए जैसे जो इंग्रेडिएंट्स है वो डाले गए। फिर अभी कोरोना वैक्सीन के बाद में क्या होता है, कोरोना वैक्सीन जहाँ लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वहाँ दर्द हो सकता है, तो समय 8-10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे दर्द होगा, या कोरोना वैक्सीन के बाद में बुखार आ सकता है, और वो आना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी फाइट करती है, वो जो एटेन्यूएटेड या डीएक्टिवेटेड वायरस जो है उसको फाइट करती है हमारी बॉडी, उसके साथ में जंग खेलती है, और उसके वजह से और एंटीबॉडीज तैयार करने की वजह से वो बुखार आता है। और बुखार आना जरूरी है, बुखार आता है समझ लो कि काम हो रहा है, अंदर काम चल रहा है, तो बुखार आना, बॉडी में दर्द करना ये नॉर्मल है, उसके लिए आप पैरासीटामोल जैसी गोली खा सकते हैं, और बुखार आने की और बदन दर्द की राह देखना ही नहीं है। मैं तो हरदम ये रेकमेंड करता हूँ, जैसी वैक्सीन लेते हैं गोली खा लो, 650 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम की गोली खा लो ताकि आपको बाकी कुछ भी होगा नहीं। आराम करना है, खान पान अच्छा रखो, नींद अच्छी ले लो, कुछ भी तकलीफ होने वाली नहीं है। लोग डर डर के मारे वैक्सीन लेते नहीं है, तो डरने की कुछ बात नहीं है। मैंने दोनों भी डोज मेरे हो चुके हैं खुद, और जैसे ही मैंने वैक्सीन ले लिया तुरंत मैंने गोली खा लिया पैरासीटामोल की, दिन भर काम करता रहा, भूल भी गया कि मैंने वैक्सीन लिया था करके, कुछ तकलीफ नहीं, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो वैक्सीन लेना जरूरी है, और हम तो भी ऐसा करने वाले हैं, हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन लिया है तो ही अंदर आना है, तो हॉस्पिटल में आओ मत, हॉस्पिटल में भी आने का नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लिया है तो ही आना, बताओ सर्टिफिकेट कि हाँ तभी आना हॉस्पिटल में। तो ऐसा हम करने वाले ताकि कंपलसरी सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है। कुछ देशों ने तो ऐसा किया हुआ है अभी कि वैक्सीन लिया नहीं तो अंदर डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, वैक्सीन लेना तो फाइन करेंगे, जबरदस्त फाइन। तो ये हमारे देश में भी होना चाहिए कि वैक्सीन लेते हैं तो आपको होटल में प्रवेश मिलेगा, रेस्टोरेंट में प्रवेश मिलेगा, कॉलेज में, स्कूल्स में प्रवेश, मतलब वैक्सीन लेंगे बिना आपको एंट्री मिलेगी नहीं, हॉस्पिटल रहो या कुछ भी रहो वैक्सीन लेना जरूरी है। ऐसा जब करेंगे और नहीं रहते और ऐसा चेकिंग करते बीच बीच में, नहीं लिया तो चलो दंड या अंदर डालो जेल में, तो फिर लोग फटाफट वैक्सीन लेंगे, और हमारे देश में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो राजकारणी लोग हैं पॉलिटिशियंस, उनको तो पॉपुलैरिटी होना है और वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनको चुन के आना पड़ता है, लोगों के खिलाफ नहीं जाना है, लोगों की मानसिकता क्या है वो देखना पड़ता है, बहुत सारी बातें रहती है, तो वैक्सीन कंपलसरी इतना करेंगे नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।